स्वेटर क्यों पहना आपने? ठंडी है। ठंडी है? हाँ हाँ, अभी भी बारिश हुई ना। हाँ क्या खा रहे हो? चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट की बिस्किट्स। बिस्किट्स, बर्बन, ये शाकर भी लगा है। साखर भी लगा साखर भी लगा है। आ नहीं रहा आपको? निकलता अभी पहला खा लो, आपको अच्छे से उसके अंदर की क्रीम। नेटवर्क नहीं है माही, बारिश की वजह से रिचार्ज खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म हो गया। अरे ठीक है। हे गाइस, मैं सामान लाया था डीमार्ट से, वही भर के रख रही हूँ ताकि मेरा एक टेंशन ख़त्म हो जाए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसी बरनियों में रहते हैं, और आप लोगों को ये बरनियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब भी मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें डालती हूँ, सभी लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिए, कहाँ से लिए। तो एक्चुअली मैंने ये खुद ने ही परचेज़ की है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो है मुझे गिफ्ट मिली है, बट ये जिस बॉक्स में मिली थी तो उस बॉक्स पे डीमार्ट लिखा, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये डीमार्ट से ली हुई है। तो बट उसके बाद ना मुझे डीमार्ट में ये बरनियाँ दिखी ही नहीं, तो उसके बाद शायद आती नहीं होंगी, इसका स्टॉक नहीं होगा डीमार्ट में। अगर आपके सिटी में मिलता है तो आप ले लीजिए डीमार्ट से, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए लिंक दे दूंगी, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं बर्नियों में, और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से लगा के रख देती हूँ, मतलब इस तरह से बर्नियाँ सजा के रख देती हूँ, बहुत अच्छी दिखती है। तो बस ये जो बाकी का सामान था वही डाल दे रही हूँ, जैसे स्टील के कंटेनर में भर के रखती हूँ, कुछ मेरे पास प्लास्टिक के है उसमें भर के रखती हूँ, बट प्लास्टिक के जो है वो जो थोड़े से कम क्वांटिटी वाले हैं, तो इसीलिए मुझे इसमें ही भरना पड़ता है। और मेरे पास ना स्टील के बहुत सारे कंटेनर है, तो इसीलिए मैं स्टील के कंटेनर में ही ज़्यादा रखती हूँ, और इस पे ना चिट लगा के रख देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें क्या है उसमें क्या है। तो आगे स्टिकर लगा के रख देती हूँ नाम लिख के, तो मुझे पता चल जाता है इजीली, नहीं तो फिर स्टील का डब्बा एक एक करके निकालना पड़ता है, फिर खोल के देखना पड़ता है। तो इस तरह से फिर मेरा ये चिट लगाने की वजह से काम इजी हो जाता है। तो बस इस तरह से सारे जो सामान है वो मैं भर लेती हूँ, और इस तरह से जीरा वगैरह राई वगैरह भरने के लिए मेरे पास ये कंटेनर है। तो अगर इसका भी लिंक आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये 6 का सेट आता है, तो आप इसमें कुछ कम क्वांटिटी में भर के रख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत अच्छी दिखती है दिखने में। ख़त्म होने के बाद मैंने रखा था घी बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलाई जमा हो गई थी, तो इसीलिए मैं घर पे बना रही थी घी। काफ़ी दिनों से घर पे घी ही नहीं बनाया था, क्योंकि दूध बंद कर दिया था लाना, इसीलिए अभी लाना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी बना रही हूँ घी घर पे ही। और यहाँ पर ये मेरा पार्सल आ गया था, तो ये सैनिटाइज करके रखा था बाहर ही कुछ देर के लिए, तो बस इसे ही ओपन कर रही हूँ। मैंने ना किचन के लिए बहुत ही अच्छे आइटम ऑर्डर किए हैं, तो वो सारे मिल जाए उसके बाद आपके साथ हॉल शेयर करूँगी, और बहुत ज़्यादा अच्छे आइटम ऑर्डर किए हैं, आपको पसंद आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर घी मेरा बन गया था, और इतना सारा घी निकला है, और भी थोड़ा सा पतीले में था, तो वो मैं बाद में, मतलब थोड़ा सा वो मैंने ज़्यादा किया था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होने दिया था उसे, तो वो मैं दिया बत्ती के लिए यूज़ करूँगी। और ये जो है अभी खाने के लिए यूज़ होगा, तो ये मैं इस कंटेनर में भर के रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा वेट किया ठंडा होने का, और फिर इसके बाद उसमें डाल दूँगी, तो पूरा बैठा भी नहीं। उसके बाद जो रोटी को या फुलके को लगाते हैं उसमें मैंने ये वाला डाल दिया था जो बचा हुआ था, और आप देख सकते हो कितना सारा घी निकला है उतने मलाई का। और ये देखिए आप, पूरी ये जो कंटेनर है ग्लास का, ये डाबर हनी का है छोटा वाला, तो ये भर गया है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो भी, और जो मैंने पतीले में है वो भी है, जो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी दिया बत्ती के लिए। तो इतना सारा निकला है घी, और आप देख सकते हो काफ़ी सारा घी निकलता है। बस इसे अभी रख दूंगी, और इसके बाद ना मुझे बनाना था जल्दी जल्दी खाना, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आपको क्या बताओ, मतलब सारी चीज़ें डिब्बों में रखते रखते, और फिर किचन भी गंदा हो गया था, किचन भी क्लीन करना पड़ा, तो सारे काम करते करते इतना ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मैंने सिंपल सा लंच बनाया था,
तो लंच में बनाई थी मैंने कढ़ी, दाल फ्राई, और दाल फ्राई ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बना ली थी ताकि शाम को भी काम आ जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद रोटी और फिर थोड़ा से पापड़ भून लिए थे। तो ये था हमारा सिंपल सा लंच। तो बस ये ड्यूटी से आ गए थे, अभी लंच कर लेंगे और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की थी। और ये डायरेक्ट मैं शूट कर रही हूँ रात को, क्योंकि रात को ये बोल रहे थे कि सिंपल सा डिनर चाहिए, तो इसीलिए ना इन्होंने फिर मुझे बोला कि चलो जीरा राइस ही लगा दो, क्योंकि दाल फ्राई बची हुई है काफ़ी सारी, तो इसीलिए मैंने उसके साथ जीरा राइस बना दिया था। और कुछ भी काम करते हैं ना तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं, फिर ये ना पूरा ही क्लीन करना पड़ता है। और आप पीछे देख सकते हो, वो पीछे ना जहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया है, तो वहाँ पर कुछ रखने वाली हूँ मैं। और मैंने जैसे कि बोला आपको कि मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, तो वो जब मिल जाएगी मुझे सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ वो हॉल शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी और आपके साथ एक बार मेरा ऑर्गेनाइज किचन टूर भी शेयर करूँगी, मतलब ऊपर वाला काउंटर टॉप वाला, तो वो भी शेयर करूँगी। तो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं आगे। और आप भी सजेस्ट करते रहिए कि कौन से वीडियोज़ मैं बनाऊँ, मतलब आपको कौन से वीडियोज़ चाहिए, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर जीरा राइस मैं सिंपल सा बना रही हूँ, आपको तो पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बनाने के लिए मैं कुकर में बना रही थी। तो मैंने ना कुकर में क्या किया था कि थोड़ा सा ऑयल डाला था और पहले जीरा डाल दिया था उसमें, राई बोल रही थी, जीरा डाल दिया था। और बस जीरा चटकने के बाद मैंने, जीरा हो जाने के बाद मैंने क्या किया था, उसमें पानी डाल दिया और नमक डाल दिया। उसके बाद मैंने पानी बॉयल होने के बाद ये जो मैंने चावल सोख करके रखे थे, ये राइस मैंने यहाँ पर पहले सोख करके रखे थे उसमें, तो ये आधा घंटा पहले ही सोख करके रखे थे, तो ये मैंने डाल दिए उसमें। और बस एक सीटी ही लगानी है आपको, बस एक सीटी लगाने के बाद ही अच्छे से खिले खिले से बन जाएंगे और जीरा राइस आपका रेडी हो जाएगा। तो ये क्विक बनाने के लिए है, नहीं तो फिर आपको तो पता ही है मेरी रेसिपी जीरा राइस की, आप मैं कैसे बनाती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। मतलब इतना ज़्यादा ये इतना ज़्यादा खिला खिला सा नहीं बनता है, फिर भी मतलब बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जल्दबाजी में हो तो ऐसा बना सकते हो, बट अगर कोई मेहमान आ रहे हो या हमें ही कभी लगता है कि रेस्टोरेंट जैसा फील आना चाहिए, तो उस टाइप से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा और रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा सेम। तो आपको तो रेसिपी पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ, तो उस टाइप से बनाया करो। अगर जल्दबाजी हो तो इस टाइप से भी बना सकते हो। तो बस अभी मिलूँगी आपसे सीधे खाना खाने के बाद। खाना वगैरह हो गया है और ये देख रहे हैं बच्चों के साथ टीवी, तो शोर हॉल में है इसी वजह से मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ। और मुझे करना था फेशियल, तो मैंने सोचा चलो आज फेशियल कर लेते हैं, क्योंकि डल डल सी स्किन लग रही थी काफ़ी, और कुछ दिनों से मैं स्किन केयर भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी और कुछ भी फेस पैक वगैरह अप्लाई नहीं कर रही थी, इसीलिए थोड़ी सी स्किन डल लग रही है। तो मैंने सोचा चलो आज फेशियल ही कर लेती हूँ। फेस पैक वगैरह अप्लाई करने का मन था सुबह, बट कुछ किया नहीं, तो इसीलिए फाइनली फेशियल करने का सोचा। और काफ़ी दिनों से फेशियल भी नहीं किया है, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ वो VLCC का फेशियल शेयर किया था, तब मैंने फेशियल किया था और उसके बाद मैंने फेशियल ही नहीं किया। तो जब भी मैं फेशियल करती हूँ आपके साथ तो शेयर कर ही देती हूँ, तो इसीलिए आज मैं करने वाली हूँ ये रूपमंत्रा का फेशियल। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि रूपमंत्रा के फेशियल किट ऑर्डर करूँ, बट फाइनली मैंने दो फेशियल किट ऑर्डर कर दी है, ये रूपमंत्रा की और एक हर्बल है और एक ये फ्रूट है। तो पहले फ्रूट का कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना था रूपमंत्रा के फेशियल किट के बारे में और हर्बल भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर देती हूँ। और आज ही मुझे रिसीव हुए तो मुझे लगा कि चलो मैं कर लेती हूँ फेशियल इससे, और पता भी चल जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है, और आपके साथ भी शेयर कर दूंगी इसका रिजल्ट। क्योंकि ना इनके मैंने फेस वॉश यूज किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे, और इनके मैंने क्या बोलते हैं तो फेस क्रीम भी यूज़ किया था तो मुझे अच्छा लगा था, और मैंने सजेस्ट भी किया था घर वालों को तो उनको भी अच्छा लगा था, मेरी भाभी वगैरह को भी मैंने बताया था तो उनको भी अच्छा लगा था, मतलब उनका फेस क्रीम। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इनके अभी फेशियल किट दिखे मुझे तो ऑर्डर कर दिए थे मैंने, ये अमेज़ॉन से लिए हैं। तो ये है वो फेशियल किट, और इसमें ना 5 स्टेप आते हैं। तो पहला स्टेप है क्लिंजर, मतलब क्लिंजिंग मिल्क, दूसरा स्टेप है फेस स्क्रब, और तीसरा स्टेप है मसाज जेल, चौथा है फेस पैक, और पांचवा है नरिशिंग क्रीम। तो इस तरह से ये 5 स्टेप में आता है। चलिए कर लेती हूँ और इसका रिजल्ट आपको भी पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं क्लिंजिंग मिल्क अपने फेस पे लूंगी, क्योंकि मैंने फेस वॉश किया है अभी भी, फिर भी क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई करना जरूरी होता है, फेस वॉश करने के बाद भी थोड़ा सा हो सकता है डर्ट वगैरह रहे, तो इसीलिए क्लिंजिंग मिल्क की जो स्टेप है वो करनी जरूरी होती है। अभी मैं फेस को क्लीन कर लूंगी और उसके बाद फिर स्क्रब यूज करूंगी। तो स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी है, इस तरह से बस सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी होती है क्लिंजिंग मिल्क की।
दो से तीन मिनट तक आपको इस तरह से मसाज करनी होती है और बस उसके बाद आपको स्क्रब यूज करना होता है। क्लिंजिंग मिल्क को आप वाइप भी कर सकते हो या आप उसे वॉश भी कर सकते हो, सारे स्टेप के बाद आप वॉश कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको वाइप ही करना है या वॉश ही करना है। फोरहेड पे ना इस तरह से मसाज करनी होती है आपको सर्कुलर मोशन में, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है काफी ज्यादा अच्छे से हो जाए। यहाँ से इस तरह से लेके जाइए और यहाँ पर प्रेस करिए, बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको। और बस इसी तरह से चिक्स पे भी आपको करना है और सर्कुलर मोशन में मसाज, और अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है सारी मसाज आपको, और नोज पे इस तरह से, और फिर अपर लिप्स पे, और फिर अपर लोअर लिप्स पे, मतलब चीन के ऊपर। तो इस तरह से मसाज करनी है आपको सर्कुलर मोशन में। अब यूज़ करने वाली हूँ स्टेप टू, मतलब स्क्रब। तो स्क्रब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसका, और जो पार्टिकल्स है इसमें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए ट्राई करती हूँ, स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी, एकदम क्रूड जैसी। बस इसी तरह से आपको सर्कुलर मोशन में इससे भी मसाज करनी है थोड़ी देर के लिए, और इससे आपके डेड स्किन निकल जाएंगी, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है वो भी निकल जाएंगे, मतलब नोज पे वगैरह और चिन पे, यहाँ पर आपके ब्लैक हेड्स होते हैं और फोरहेड पे भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, तो वो निकल जाएंगे इससे, रिमूव हो जाएंगे। और भी क्या आवाज़ आ रही है पीछे से, अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगता है तो आप पानी का हाथ भी ले सकते हो। इसी तरह से सर्कुलर मोशन में जैसे मैंने क्लिंजिंग मिल्क की मसाज की थी, वैसे ही इसकी भी मसाज कर लेनी है। स्क्रबिंग करने के बाद मैंने डायरेक्ट फेस वॉश कर लिया, क्योंकि थोड़े से वो पार्टिकल्स रह जाते हैं तो फिर मसाज में थोड़े प्रॉब्लम देते हैं, इरिटेशन होती है उससे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट फेस वॉश ही कर लिया। और वैसे भी आपको स्क्रब करने के बाद फेस वॉश ही करना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा इरिटेट करता है मसाज के टाइम पे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट फेस वॉश ही कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जेल, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसकी भी स्मेल काफ़ी अच्छी है। तो बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लगता है, इस एक किट से आप 3 से 4 बार फेशियल कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको सेम सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और आइज के अराउंड इस तरह से इस वाले फिंगर से करना है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है आपको। इससे आपके डार्क सर्कल चले जाते हैं और नींद भी बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में आइज के अराउंड मसाज करनी है, उसके बाद आपको चिक्स पे मसाज करनी है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बारिश का मौसम है ना, इसी वजह से ज़्यादा मक्खियाँ आ रही है। बस इस तरह से आपको अच्छे से मसाज करनी है, और नेक पे करना मत भूलिएगा मसाज, नहीं तो फिर नेक अलग दिखेगी और फेस अलग दिखेगा, तो इसीलिए नेक पे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इस तरह से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में यहाँ पर भी और अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये जो डबल चिन है, किसी की डबल चिन होती है तो वो भी चली जाती है इससे अच्छे से मसाज करने से। तो जेल से मैंने मसाज कर लिए है और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 4 स्टेप जो है फेस पैक। तो अच्छे से फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ और ये ड्राई होने तक वेट करती हूँ। चलो आज फेस पैक भी अप्लाई हो गया और अच्छे से मसाज भी हो गई। थोड़ा सा ना 1 महीने में 1 बार या 2 बार तो ऐसे फेशियल करना ही चाहिए, सबके लिए निकालते हो तो थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकाल लिया करो, ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे हमेशा के लिए। इस तरह से फेस पैक अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद अभी ड्राई होने का वेट करूँगी। ड्राई होने के बाद मुझे अप्लाई करना है ये नरिशिंग क्रीम, ये है 5th स्टेप। तो बस अभी फेस पैक रिमूव करने के बाद ये नरिशिंग क्रीम अप्लाई करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फेस पैक रिमूव कर लिया है मैंने, और कोई भी आपके पास टोनर है तो वो अप्लाई कर लीजिए। मेरे पास ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर है तो वो मैं अप्लाई कर लूँगी, नहीं तो आप रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हो। बस इस तरह से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद, अद्विक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, तो बस उसके बाद आपको इसे ड्राई होने तक वेट करना है और ये नरिशिंग क्रीम अप्लाई कर लेनी है। तो मैं इसके ड्राई होने के बाद ये क्रीम अप्लाई कर लूँगी, नरिशिंग क्रीम, बस थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी।
वैसे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे, और टैनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक हट गई है। थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाता है, डलनेस दूर हो जाती है। थोड़ा सा स्किन केयर करना चाहिए, फेशियल वगैरह कभी कभी कर लेना चाहिए, खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैं भी बहुत बार बिजी रहती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बट कभी कभी निकाल लेती हूँ अपने लिए भी टाइम। ऐसे इस तरह से कर लेती हूँ, रात को सोने के टाइम फेशियल वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि रात को अगर फेशियल करते हो ना आप तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो आप, और फिर जब सो जाते हो ना तो उसका इफेक्ट अच्छे से देखने के लिए मिलता है दूसरे दिन आपको। तो इस तरह से बस अप्लाई कर लिया है क्रीम, और अभी सो जाऊंगी ना तो इसके बाद मुझे सुबह इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इसका। वैसे अभी मुझे पता चल रहा है और आपको भी पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है और टैनिंग भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कम भी हो गई है। अगर आपको इस फेशियल किट को परचेस करना है तो इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और आप इसे ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो और ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको इसे ऑनलाइन परचेस करना है तो आपके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो इसे। बहुत अच्छा ब्रांड है और आयुर्वेदिक है, इस वजह से टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये आपके लिए सूट होगा या नहीं होगा। आयुर्वेदिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और सूट भी हो ही जाएगा सभी स्किन टाइप वालों को, क्योंकि आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, इसी वजह से सारे स्किन टाइप वालों को तो ये सूट होना ही चाहिए। बट फिर भी आपको बताऊंगी कि अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो आप मत यूज़ करिए, कुछ भी मत यूज़ करिए अपने स्किन पे, क्योंकि कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़े से रैशेस वगैरह या कुछ भी दाने वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से आप अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो कुछ भी मत यूज़ करिए, बट बाकी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, इसी वजह से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसे यूज़ करने के लिए। तो चलिए अभी बहुत लेट हो गया है, सोने का टाइम है, तो इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।